केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने आज रायबरेली में बदले की राजनीति को नकारते हुए बड़ा संदेश दिया है। हम आपको बताएं, नेहरू गांधी परिवार पर हमलावर रहने वाली स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी की फोटो वाली टी शर्ट पहने फरियादी को पास बुलाकर न केवल उसकी फरियाद सुनी बल्कि तुरंत निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। हम आपको बताएं, स्मृति ईरानी दो दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र के सलोन विधानसभा में आई हैं। छतो ब्लॉक के ग्राम कुंवरमऊ में जब वो जन समस्याएं सुन रही थी तभी प्रियंका गांधी की फोटो छपी टी शर्ट पहने एक वृद्ध ने वहां पहुंचकर अपनी फरियाद सुनाई। स्मृति ईरानी उसे देखकर मुस्कुरा उठी, फिर उसकी फरियाद सुनकर अधिकारियों को निस्तारण के लिए निर्देशित किया। स्मृति ईरानी ने दौरे के पहले दिन छतो ब्लॉक के ग्राम बेढ़ौना, कुंवरमऊ, बेवल, कूढ़ा, कांटा व सराय में जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निस्तारण के लिए निर्देशित किया। बाद में उन्होंने कहा कि वह बदले की नहीं बल्कि बदलाव की भावना से अमेठी आई हैं। डी की विद्यावती का इलाज डॉक्टर एस के सरीन से कराने पर उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है, विद्यावती के परिवार से उन्हें संतोषजनक समाचार मिला है। उन्होंने विद्यावती के पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने की कामना की। नीरज श्रीवास्तव, S7 न्यूज। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा कि बदलाव की भावना से हम अमेठी आए और बदले की भावना से हम अपनी राजनीति नहीं करते। मैं आभारी हूँ कि आपने आज स्वयं इस बात का प्रमाण देखा कि वाड्रा खानदान और गांधी खानदान का एक कार्यकर्ता समर्थक हमारे पास आया कि उसकी एक दरकार थी जिसको हमने पूरा किया। प्रशासनिक मर्यादा में रहकर जनता के साथ पक्षपात ना हो, यही हमारा ध्येय है, यही हमारा संकल्प है। और अगर किसी और राजनीतिक दल का कोई साधारण कार्यकर्ता अब तक किसी सरकारी लाभ से वंचित रहा है, अति गरीब अति पिछड़ा है, तो उसकी सेवा करना भी हमारा कर्तव्य है। हम ये नहीं कहते कि जो सड़क बनाएंगे उस पर सिर्फ बीजेपी का वोटर चले। हम कहते हैं सड़क बनती है तो राष्ट्र को समर्पित होती है, लोकसभा जनपद के सभी नागरिकों को समर्पित होती है। मैम, डी की विद्यावती का इलाज आप वहाँ डॉक्टर इसके सरीन से करा? मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्र के सबसे विशिष्ट जो स्पेशलिस्ट हैं, जिनकी माहिरात है लिवर डिजीज़ में, डॉक्टर सरीन, उन्होंने मेरे आग्रह पर विद्यावती जी का इलाज किया। अब मुझे इस बात की खुशी है कि संतोषजनक विद्यावती जी के परिवार से हमें समाचार मिला। डॉक्टर साहब ने अब उनके लिए दवाइयाँ जो मुहैया कराई हैं, पूर्ण रूप से वो स्वस्थ रहें, ऐसी ही मेरी शुभकामना है।